Press the bell icon on the YouTube app and never miss a video from us. Assalamualaikum. Sastriyakal, namaste. कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ. मीडिया वाले दो दिन से श्रीदेवी जी के घर के बाहर खड़े हुए हैं, फालतू फालतू न्यूज चला रहे, इधर की उधर की. अब जाने वाले तो चले गए, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी रूह को सुकून दे. फेक न्यूज, गंदे न्यूज चला रहे, कुछ भी न्यूज चला रहे. दो दिन से उनके घर के बाहर खड़े. एक भाजपा के नेता ने 9 बच्चे गाड़ी से कुचल दिए, वो नहीं दिखा रहे. नीरव मोदी का मैटर ठंडा कर दिए, वो चोर हमारे पैसे लेके भाग गया, वो नहीं दिखा रहे. सीरिया के मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, 5 दिन में 550 बच्चे मार दिए गए, वो भी नहीं दिखा रहे. यारो, सीरिया के मुसलमानों के लिए दुआ करना. ये जो 10 बच्चे भाजपा नेता ने मार डाले, उनके लिए दुआ करना. वो हिंदू थे मुसलमान थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए दुआ करना. और वर्ल्ड मीडिया भी साइलेंट है, बीइंग ह्यूमन भी साइलेंट है. हर आदमी श्रीदेवी जी के लिए ट्वीट कर रहा है, श्रीदेवी जी के लिए बोल रहा है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है. इसका मतलब कयामत के आसार, कयामत ही है ये समझ लो. फलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है ये कयामत है. ह्यूमन राइट्स के जो कुत्ते हैं, नितियानु के कुत्ते, वो भी साइलेंट है. अमेरिका में कुछ होता है तो ये साले ट्वीट करते हैं. कहीं कोई जापान में मर जाता है तो ये साले ट्वीट करते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले. अबे सीरिया देश नहीं है क्या? फलिस्तीन लोग देश नहीं है? अबे आर्मी से जंग करो, बच्चों को मार रहे हो, सिविलियंस को मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए. और सबसे बड़ी शर्म तो सारे नपुंसकों को आनी चाहिए. अब इसमें कोई संगी आके ये कहेगा ना, कोई भी कुत्ता, तो उन कुत्तों से मैं ये कह दूं, अबे कुत्तों यहां पे बात कुछ और हो रही है. यहां पे तुम अपने बाप की, जिसके डीएनए से तुम पैदा हुए हो, वो मोदी और योगी का डीएनए मिक्सर है तुम लोग सब सालों, वो बात यहां मत ले आना. नीरव मोदी जो 11,400 करोड़ लेके भागा है ना, वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो तुम्हारे भी है, वो सिखों के भी है, वो सबके है. तो जरा इंसानियत लाओ बे, वरना अपनी अम्मियों से पूछो कि अब्बा का नाम मोदी तो नहीं है, योगी तो नहीं है. थोड़ी शर्म कर लो बे, थोड़ी सी. अब मुझे गालियां देने से कुछ नहीं होगा, ये याद रखना. देश के जवान कांस्टेबल सिंह साहब गोलियों से छन्नी हो गए, उनके बारे में मीडिया न्यूज नहीं दिखा रही है. सिंह साहब आपको मेरा सलाम है, अल्लाह आपकी रूह को सुकून दे, आपकी आत्मा को शांति दे. सब ठंडा हो गया, मीडिया भी एक दिन कुत्ते की तरह भोगती है फिर बंद हो जाती है. और नीरव मोदी का स्कैम ठंडा हो गया. और श्रीदेवी जी के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, ना के कई लोग तो ऐसे भी ट्वीट कर रहे हैं कि वो उनकी डाइट के वजह से हो गया, ये हो गया. अरे कोई इस दुनिया से चला गया है, अब उनकी मजाक, उनके बारे में ऐसे जोक, उनके बारे में ऐसे ट्वीट, ऐसे फेसबुक पोस्ट बनाना, शर्म करो यारो, शर्म करो, शर्म करो. और सीरिया के मुसलमानों के लिए हर नमाज में दुआ पढ़ो यारो, नमाज सबसे बड़ी ताकत है. नमाज में दुआ पढ़ो और अल्लाह ताला उन्हें शिफा देगा, जरूर देगा. इन कुत्तों से उनको अल्लाह ताला जरूर शिफा देगा. अल्लाह के वास्ते उनके लिए दुआ करो, उनको दुआओं की बहुत दरख्वास्त है, बहुत 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 जरूरत है, उनके लिए दुआ करो. रूह कांप जाती है कि 5 दिन में इतने सारे बच्चों को वो नित्यानों कुत्ते ने, अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसके बच्चों को. दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना.
दुआओं में याद रखना यारो, और याद रखना 5 वक्त की नमाज ही सबसे बड़ी ताकत है, और कोई हमें जालिमों के जुल्म से बचा नहीं सकता है। कुरान शरीफ में लिखा है जब जब मुसलमान नमाज कायम नहीं करेंगे, हमारे नबी की बातों पे नहीं चलेंगे, कुरान में जो लिखा है वो नहीं करेंगे, फिरकों में बटेंगे, तब तब उन पे जुल्म होगा और तब तब उन पे बादशाह नाजिल होंगे। और वो बादशाहों का नाम मैं तुम्हें बता देता हूं, नित्यानु, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी। इनको अल्लाह ने नाजिल किया है क्योंकि मुसलमान एक नहीं है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमानों ने नबी की सुन्नतों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। नमाज हमारे नबी की आंखों का नूर था। नमाज कायम करो यारो, दुआओं में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज जो तुम्हारा भाई बिना ये जेड सिक्योरिटी, बिना कमांडो, बिना इसके घूमता है ना, ये समझ लो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो जो मेरे लिए आवाज उठाएंगे, जो जो इस्लाम के लिए खड़ेंगे, लड़ेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला खुद हिफाजत के लिए खड़े हो जाएंगे खुद। और अल्लाह कभी वादा खिलाफ ही नहीं करते, उनके सारे वादे जन्नत के वादे, सारे वादे सच्चे हैं। यारो नमाज पढ़ो 5 वक्त की, मजाक नहीं करता हूं, जिंदगी आसान हो जाएगी यारो, बहुत आसान हो जाएगी, किसी चीज से डर नहीं लगेगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और अगर उखाड़ भी लिया तो तुम अल्लाह के पास जाओगे और तब अल्लाह ताला तुम्हें इतना सुकून देंगे, इतना सुकून देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यारो हर नमाज में हमारे लिए भी दुआ करना, सीरिया के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशल दुआ करना, और हमारी अम्मी की मगफिरत के लिए भी दुआ करना। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।